प्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपका जो है ये आज का टॉपिक है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है ना, क्या है, क्या चीज है? तो बेटा इसमें हमेशा याद रखना दो केस है, और आपको बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में क्लियर नहीं होती, दैट्स व्हाई हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती है, या बच्चों को समझ नहीं आता है, दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, आप बस कंसंट्रेट होके आप वीडियो को देखते रहे, आपको ग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? स्टार्ट विद द ग्राफ। तो आपको करना क्या, आप दो केस में चलाते हो इसे, दैट इज केस नंबर फर्स्ट। केस वन जो होता है, दैट इज क्या है केस वन? तो केस वन है आपके पास कि जब आपके पास वोलाटाइल मेंशन वोलाटाइल सॉल्यूट हो एंड प्लस वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्वेंट हो। ठीक है बच्चों, वोलाटाइल सॉल्यूट है और वोलाटाइल सॉल्वेंट है, दोनों चीज वोलाटाइल होना चाहिए, राइट? दोनों ही वोलाटाइल होना चाहिए, वो हमारा केस वन होगा, उसके लिए हम रॉल्स लॉ लगा रहे हैं। क्लियर है मतलब? तो आपको केस वन के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों चीजें वोलाटाइल है, दोनों इजिली वेपराइजेबल सब्सटेंस होने चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। मेंशन नाउ हमने लेट कर लिया, लेट किया यहाँ पे हमने, क्या लेट किया, लेट कर रहे हैं हम कि आप कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स वाई पी क्यू व्हाटएवर, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जो लेट कर रहा हूँ वो ए को मैंने मान लिया कि ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, डन। और जो बी है हमारा वो हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्वेंट है और ए हमारा सॉल्यूट है, डन। आगे आप कुछ भी मान सकते हो, आप इंटरचेंज कर सकते हो, आप बुक में आप देखोगे वन और टू मेंशन किया हुआ है, तो आपको बस ये दिमाग में रखना है, क्या आपको दिमाग में ये रखना है कि वन क्या है, टू क्या है, या एक्स क्या है, वाई क्या है, आपको किसी से मतलब एक तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ ए था वहां पे वन हो गया क्या ये, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर ने अलग अलग वे में उसे रिप्रेजेंट कर रखा है, डन। तो हमने ए से ए को सॉल्यूट बोला एंड बी को सॉल्वेंट बोला। नाउ थिंग इज कि आगे क्या होगा, तो आगे आपको बोला गया था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा रखा है कि रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट जो सॉल्यूट है हमारा, ये क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाता है पी नॉट ए इंटू में काये, ये आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। और सिमिलरली आपके पास आ जाता है पी बी, पी बी क्या होता है बच्चों, दैट इज पी नॉट बी और इनटू में काय बी, ये पी बी हो गया, दिस इज फॉर पार्शियल प्रेशर और यूज बाय यूज ऑफ रॉल्स लॉ फॉर बी, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली मैंने आपको दो केसेस बताए थे, नहीं बताए थे, तो मैं आपको एक बार छोटा सा मार्कअप देता हूँ कि हाँ किस तरह से होगा ये। तो मैंने बोला था आपको कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ P not A greater than P not B, ये केसेस हैं जो NCERT में बहुत सारे क्लैरिटी नहीं है, आपको ध्यान देना है, राइट? P not A greater than P not B, ये बड़ा है, इसका प्रेशर बड़ा है प्योर वाला और इससे बड़ा है। अब उस केस में क्या लिखना है, then P total, what is P total? P total is the pressure of solution, right? उसको हम P total बोलेंगे, then P total is what? Expression क्या है? Last video का आपको मैंने P total का formula explain किया था, ठीक है, last में आपको मैंने बताया था कि P total कैसे आता है, similarly बस मैं उसका expression लिख रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। तो P total क्या है बच्चा, तो P total is जो छोटा होगा, P not A P not B में से छोटा कौन सा बेटा, P not B छोटा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, P not B छोटा ही है ना, उसे लिख देना है पहले, उसके बाद क्या कर देना, आपको लिख देना है प्लस, अब दोनों में बड़ा कौन, P not A, तो आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लेके यहाँ लिख देना है P not A, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो, यहाँ क्या रहेगा P not B और बड़ा कौन का, A वाला बड़ा है तो इसका मूल फ्रैक्शन दैट इज का, ठीक है बेटा, ये P total का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, ये भी आ सकता है। और दूसरा कंडीशन बनता है इफ उल्टा इसका, दैट इज P not A इज लेस देन P not B, अब बड़ा कौन हुआ, P not B बड़ा हुआ, छोटा कौन है, P not A छोटा है, देन उस केस में आपके पास क्या होगा बच्चों, तो P total मैं ध्यान से समझना, P total इज इक्वल टू, इन दोनों में छोटा कौन है, P not A है, ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया P not A, ठीक है बेटा, छोटा ये था, अब उसके बाद फिर कर दिया प्लस, नाउ अब इन दोनों में बड़ा कौन, ये वाला, वो लिख दो, तो ये हो जाएगा P not B minus P not A,
और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, जो बड़ा है यानी बी वाला कंपोनेंट बड़ा है तो इसका प्रेशर बड़ा है तो इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज इनटू में काई। तो ये ट्रिक है लिखने के, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको आप लिख सकते हो, आप याद रख सकते हो, जैसा मैं आपको बता रहा हूं तो आप ये इक्वेशन बता सकते हो। आपको करना क्या आ गया, आपको ग्राफ, क्योंकि हमारा टॉपिक आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए मैंने ये तीनों चीजें लिखी हैं। होगा क्या कि आपने इसको बना देना है इक्वेशन नंबर वन, क्लियर है बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर टू, और इन दोनों में से मैं और लिख रहा हूं बीच में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपको इक्वेशन नंबर थर्ड बना देना है, ठीक है, डन। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से, तो मैं मेंशन कर देता हूं आइदर दिस वन, और लिख दिया है यहां पे, इनमें से किसी भी एक को आपको क्या बना देना है, थर्ड बना देना। तो दीज आर द थ्री इक्वेशन, और इन्हीं तीन इक्वेशंस के ग्राफ को, लाइन को हमें ड्रॉ करके रॉल्स लॉ का ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर वन की बात करेंगे, राइट। अब इक्वेशन नंबर वन में क्या है, तो इक्वेशन नंबर वन इज व्हाट, पी ए, ध्यान देने आप, पी ए इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से आप, मैं लिख भी दूं बार बार, लेकिन आपको ध्यान भी रखना पड़ सकता है। तो मैं सिंपल सिंपल ये भी बता देता हूँ कि आप इक्वेशन नंबर वन है, इसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है बेटा, इसको कंपेयर करना है वाई इक्वल टू एम एक्स। तो थोड़ा सा मैं इसमें लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इन टू का, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन आ रहा है, और इसको मैंने बोला आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर दीजिए। तो ये हो गया वाई, ये हो गया एम एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस में आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, ध्यान दीजिएगा। तो इसको वाई इक्वल टू एम एक्स से हमने कंपेयर कर दिया, तो ये सी हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। और सी जीरो होने का मतलब हो गया कि ये कंफर्म है कि ये ग्राफ जो होगा ये ओरिजिन से जाएगा। अगर सी होता है विच इज इंटरसेप्ट, तो अगर वो होता है तो इसका मतलब वो ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सी नहीं है तो ये कंफर्म है कि ये ग्राफ ओरिजिन से ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये y है, ये m हो गया, x हो गया, आप कंपेयर कर लीजिए, ये y आ गया, ये m आ गया, ये x आ गया, राइट। उसी सिमिलरली आप b के लिए बनाओगे, तो b में भी क्या हो जाएगा बेटा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इन टू में काई बी, इसमें भी आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स। अब यहां पे क्या है, ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, सिमिलर, दैट्स इट। तो अब ये चीजें, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब इससे हमें ग्राफ पे जाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाई एक्सिस कौन है, वाई कौन है, पी ए, विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मैं पहले फर्स्ट का बनाता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन का। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं बहुत सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, ठीक है बेटा, ये ग्राफ बना दिया, फर्स्ट इक्वेशन का बना रहा हूँ, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये वाई एक्सिस है हमारा, तो यहाँ हमने लिख दिया पी ए, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन है, काई ए, काई ए क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, काई ए, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये एक्स एक्सिस पे आ गया, ठीक है। अब एम जो है वो क्या है, वो स्लोप है। एम क्या होता है बेटा, स्लोप, स्लोप आपको पता होगा अगर आपके पास मैथ्स हो गया 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है उसमें आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। मैं जस्ट अभी बता रहा हूं कि यहां पर आप सिंपल समझिए कि अगर ये ओरिजिन है, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे काई की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, तो हम लिख सकते हैं कि इस ओरिजिन पे काई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वो जीरो है। और काई ए की वैल्यू अगर जीरो है, और यहाँ काई ए में अगर मैं जीरो पुट कर दूं, ध्यान से समझना, काई ए की वैल्यू ओरिजिन पे जीरो है, और इसमें अगर हम काई ए की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे क्या होगा, पी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जहां काई ए होगा वहां पी ए भी क्या होगा, जीरो होगा, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्लियर है मतलब। अब हम जानते हैं कि काई ए की वैल्यू यहाँ जीरो है, और ये इधर राइट साइड बढ़ने पर ये इंक्रीज हो रहा है,
और आपको पता होना चाहिए ये वेल नोन फैक्ट है क्या कि कभी भी किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन बेटा कभी भी किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है, ये याद रखना। तो 1 से ज्यादा नहीं होता है तो ये आगे बढ़ता बढ़ता गया बढ़ता गया, मैंने यहाँ लेट कर लिया कि यहाँ पर काई ए की वैल्यू जो है ये 1 है। ठीक है बेटा, ये काई ए की वैल्यू मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो काई ए की वैल्यू ये क्या हो गई, 1 हो गया। ठीक है डन। अब यहां पर अगर काई ए की वैल्यू 1 है, अब देखो काई ए की वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे पुट करोगे तो पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी ए इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट A आएगा। ध्यान देना, P A इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट A आएगा। तो P नॉट A को मैं काय A इक्वल टू 1 है ये वाला हो गया, और P इक्वल टू P नॉट A आएगा, तो मैं कहीं काय A के ऊपर किसी पॉइंट पे यहां पर मैंने क्या बना दिया, P नॉट A बना दिया। ये बच्चों क्या है आपका, ये पॉइंट किस चीज का पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ P नॉट A। ठीक है बेटा, ये P नॉट A हो गया, जब काय A 1 है उस टाइम पे ये P नॉट A हो गया। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, तो एक पॉइंट आ गया यहाँ ओरिजिन वाला जहां काय A इक्वल टू 0 है और पी ए भी 0 है, और दूसरा पॉइंट आ गया आपका ये वाला जहां पर काय A की वैल्यू 1 है और पी नॉट, काय A जब 1 है तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट A, तो हमने यहाँ पे पी नॉट A दिखा दिया। ठीक है, अब इन दो पॉइंट को एज अ ग्राफ जो हम बनाते हैं ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, अब ना उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे किसका, सेकेंड इक्वेशन को। तो अब सेकेंड इक्वेशन में सिमिलरली इसी ग्राफ में हम सेकेंड इक्वेशन को लेके आते हैं, अलग से ग्राफ नहीं लेंगे, इसी ग्राफ में उसको मर्ज करेंगे हम। अब उसमें भी वाई एक्सिस पे क्या है, वहां पे पी भी है, तो उसमें y एक्सिस कैसे बनाएंगे, ध्यान देना यही ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये जो हमारी जो काय a पे वैल्यू p नॉट a थी, इस वाली लाइन को मैंने y एक्सिस बना दिया, ये देखिए, ये इसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, y एक्सिस बना रहा हूं मैं, और इस y एक्सिस पे बच्चों क्या लिख देंगे हम, pb, ये आ गया आपके पास pb। ठीक है, अब ये pb आ गया यहां पे, ये y एक्सिस पे आ गया। अब सिमिलरली इसके x एक्सिस पे क्या है, काय b, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर बच्चों हमें काय भी लिखना पड़ेगा, और वो किधर इंक्रीज होगा, जैसे ये काय ए जीरो था तो इधर इंक्रीज हो रहा था, अब काय भी हम पी भी ले रहे हैं तो काय भी एक्स एक्सिस पे है तो वो इधर से आ रहे हैं तो वो इस साइड इंक्रीज होगा, सिंपल सा मतलब है। अब अगर काय भी इधर आ रहा है, पी भी ये है, तो ओरिजिन कहां होगा इसका, यहां पर, इसका ग्राफ भी कहां पर होगा, ओरिजिन से जाएगा, सिंपल सा मतलब है कि जब यहाँ पे x की वैल्यू आप यहाँ पर क्या करोगे, काई a काई b की वैल्यू यहाँ जीरो है, काई b यहाँ जीरो पुट करो तो pb भी क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल। तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया, ये चीज यहाँ आ जाएगी, ध्यान दे देगा। अब इस वाले में आपको काई b यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे काई b जीरो है, ये जीरो हो गया, इधर जाने पर यह क्या आ जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, काई b मैक्सिमम हो जाएगा विच इज 1। ठीक है, ये 1 हो गया, काय भी 0 से कहां आ गया, काय भी 1 पे आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब काय भी 1 होगा, यहां काय भी 1 पुट करिए तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी, पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी, जैसे यहां था, जब काय ए 1 पुट किया तो पी ए पी नॉट ए था तो यहां आ गया था। सिमिलरली अगर हमने काय बी की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया है यहां पर, तो पी बी इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट बी आ गया। तो ये यहां कहीं आएगा पी नॉट बी, जब काई बी 1 है ये देखिए, तो पी नॉट बी इस लाइन पे आएगा। लेकिन क्योंकि इन ध्यान में आपको ये भी रखना है क्या, कि अब जैसे मैं तीसरा लाइन ड्रॉ करने जाऊंगा, तीसरा इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो इन दोनों में से किसी एक को लूंगा, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने मैंने थर्ड इक्वेशन इसको मान लिया, दिस वन, तो इस वाले में हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो जो पी नॉट ए वाला पॉइंट है दिस वन, ये बड़ा होगा, ये ऊपर होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और पी नॉट बी क्या होगी, छोटी होगी। अब यहां पर हमें पी नॉट बी ड्रॉ करना है, काई बी की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, जो कि इस लाइन पे आएगा, और लेकिन पी नॉट बी छोटा होना चाहिए किससे, पी नॉट ए से, इसलिए बच्चों वो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पी नॉट ए से नीचे रखना है, समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। अगर आप थर्ड इक्वेशन इससे लोगे तो पी नॉट बी ऊपर रहेगा और पी नॉट ए छोटा होगा, ये बहुत की पॉइंट है जो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती है, इस पे आपको वर्क करना है। तो ये आपके पास सेकेंड लाइन आ जाएगी, ये आपके पास सेकेंड लाइन आ जाएगी, और ये यहां पर आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज कॉल्ड पी नॉट बी,
ये पी नॉट बी हो गया, तो इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू का ग्राफ। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इक्वेशन थ्री की। दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, अब इक्वेशन थ्री की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हमें इक्वेशन थ्री ये वाला लेना है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन थ्री है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी, ध्यान देना बच्चों, प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और इन टू में काय। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर थ्री, क्लियर है। अब इसके अंदर इसके बारे में हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, मैंने जैसा बोला ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, यहां पर इस जगह ग्राफ में काय ए की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। काय ए क्या है, जीरो है। अब काय ए जीरो है, काय ए की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा, यानी जीरो पुट करूंगा, ठीक है, अब यहां जीरो पुट करूंगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको पी टोटल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी नॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन काय ए, पहला पॉइंट ला रहे हैं, काय ए इज जीरो, देन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी। अब पी टोटल क्या है, पी नॉट बी के बराबर, पी नॉट बी दोनों ग्राफ में, पी नॉट बी कहाँ आ गया, ये रहा आपका पी नॉट बी, ये आपके पास पी नॉट बी आ गया, ध्यान देना, ये आपके पास पी नॉट बी आ जाता, ठीक है, ये पी नॉट बी आ गया। सिमिलरली अब काय ए जीरो से आगे बढ़ा और मैक्सिमम कहाँ जाएगा, जब काय ए की वैल्यू क्या होगी, वन, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे कि व्हेन काय ए इज इक्वल टू वन, अब इस वाले क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए काय ए की वैल्यू कितना है, वन है, वन से इंटू हो जाएगा, क्या आएगा, अब देखिए पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी, तो एज इट इज लिख दोगे बेटा पी नॉट बी प्लस, अब काय ए की वैल्यू वन होगा, वन से आप इंटू कर दोगे इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट बी पी नॉट बी कैंसिल, क्या आया बेटा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, यानी जब काय ए वन होगा तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए, तो कब, काय ए की वैल्यू जब वन है, ये रहा पॉइंट। अब इस काय ए की वैल्यू जब वन है, इस वाले पॉइंट पे काय ए वन लिया था हमने, तो यहां पर हमें पी नॉट ए जो है पी टोटल के बराबर, तो पी नॉट ए कहाँ है बेटा, ये रहा। तो आपको दो पॉइंट मिल गया, एक मिल गया पी नॉट बी और एक मिल गया आपको यहां पर पी नॉट ए, ठीक है, ये दोनों आपके सामने है। अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या कर देना है बेटा, इन दोनों को आपको कंबाइन कर देना है, दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, इससे आपको ये ग्राफ किसका मिल गया, ये पी टोटल मिल गया, ठीक है। तो ये आपके पास रॉल्स लॉ का ग्राफ होता है, जो कि आपके सामने मैंने पूरा ड्रॉ किया है, तीनों इक्वेशन को समझाया है। ये केस वन है जब आपने दोनों चीजें वोलाटाइल रखी, वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, और आपको मैक्सिमम टाइम आपको ग्राफ में या एनसीईआरटी में ये अवेलेबल है, बट इतने डिटेल या इस तरह से नहीं है तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। अगर आपको रॉल्स लॉ समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई भी एक्सपायर कोई भी आपको जो भी समझ में आता है, जब भी आता है, अच्छा बुरा जो भी आता है, प्लीज़ कमेंट।